हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत कदम और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे योर फाइनेंस हब। मैं जहाँ पे टैक्स रिलेटेड अपडेट्स एंड आपके क्वेरीज सॉल्व करने की बहुत कोशिश करता हूँ। तो आज हम इस चैनल पे सीखने वाले कि जीएसटी आजकल रेड क्यों कर रही है। आपने बहुत सुना होगा कि जीएसटी ने इतने दुकानों पे रेड मारी, उतने दुकानों पे रेड मारी, तो मतलब रेड क्यों मारी है, क्यों जरूरत आ पड़ी आजकल रेड मारने की। तो उसका एक सिंपल रीजन ये है कि बहुत सारी फेक फर्म्स आजकल ओपन हुए हैं मार्केट में। फेक फर्म्स मतलब क्या सर? फेक फर्म मतलब कि सिर्फ नेम सेक के लिए फर्म्स ओपन की गई है और उसमें से इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर हो रहा है। सर थोड़ा डिटेल में समझा सकते हो क्या? यस, डिटेल में समझा सकता हूँ कि जस्ट आपको अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लग रहा है, आपको जीएसटी पेबल आ रहा है, तो ऐसे कुछ फर्म्स रहते हैं वो कुछ परसेंटेज पे बिल्स इशू कर रहे हैं। बिल्स इशू करने के बाद वो बिल्स आपके पास आते हैं और वो जीएसटी का वन जीएसटी आर वन रिटर्न फाइल करते हैं और 3B फाइल नहीं करते हैं। और उसके बाद वो जो रिटर्न का है वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो जाता है और आप उससे क्रेडिट ले लेते हैं, वो क्रेडिट आगे वाले के पास ट्रांसफर होता है। ऐसे ये चेन कंटिन्यू होती रहती है। तो दिक्कत ये होता है कि कभी जीएसटी का पेमेंट हुआ ही नहीं, 3B में वो लोगों ने कभी पेमेंट करना ही नहीं है, तो इसके वजह से पूरे चेन में प्रॉब्लम आ जाता है और बहुत सारा टैक्स इवेड हो जाता है इस वजह से। तो ऐसे इंडिया में बहुत सारे फॉर्म्स है ये, क्योंकि एक छोटा सा एक लूप होल है जो आगे चल के थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो जाएगा और मतलब उस पर रूल्स आ जाएंगे। तो धीरे धीरे चल रहा है क्योंकि 2A आ गया है, 2B आ गया है, ये सब चीजें आपको उधर देखनी पड़ेगी। तो कुछ नहीं, आपके पास अगर जीएसटी वाले आते हैं, कोई ऑफिसर्स आते हैं या आपको कोई मेल आता है कि हम आपके पास आने वाले हैं, तो आपको सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, जैसे कि आपके सेल्स के बिल एक फाइल बना के रखना है, जितने आपने बिल्स इशू किए हैं, एक परचेस के बिल जितने आपने माल परचेस किया है, ये सब चीज़ें आपको एक फाइल में रखना है। उसके बाद सर और क्या करना है, आपको एक जीएसटी सर्टिफिकेट मंगवा लेना है आपके टैक्स कंसल्टेंट से या सीए से। आपके पोर्टल पे वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसका एक फ्रेम बना लीजिए और आपके दीवार पे लगा दीजिए कि ये हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। उसके अलावा आपका बोर्ड रहेगा बाहर, आपका दुकान का नाम रहेगा, उस पर भी जीएसटी नंबर मेंशन कर दीजिए कि ये मेरा जीएसटी नंबर है। सर ये क्यों करना है, जीएसटी नंबर सबको क्यों बताना है कि हमारा जीएसटी नंबर है? क्योंकि क्या होता है कि कुछ कुछ लोगों का जीएसटी नंबर नहीं होते हुए भी वो जीएसटी क्लेम कर रहे हैं। ये कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए फैलाया जा रहा है कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो कंज्यूमर को पता लगना चाहिए कि आप, हाँ इनके पास ये जीएसटी नंबर है तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपने ये डिटेल्स लगाए ही नहीं है तो आप जीएसटी नंबर क्लेम नहीं कर सकते। सर ये लगाना किधर है? जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो आपका POB प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हो, वहाँ पे ये डिटेल्स लगाना बहुत जरूरी है। सर मेरे दो लोकेशन है, एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी, यहाँ से भी मैं ऑपरेट करता हूँ, और मेरा एक होल मतलब गोडाउन है वहाँ पे भी। सर वहाँ पे भी लगाना जरूरी है? हाँ जी, वहाँ पे भी लगाना जरूरी है। आपके गोडाउन पे भी आपका सर्टिफिकेट, आपका जीएसटी नंबर भी लगाना बहुत अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो ये सब चीजें आपने केयरफुली ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आपने कुछ गलत काम किए नहीं हुए तो आपके पास जीएसटी ऑफिसर आए तो क्लियरली उनको बता देना ये मेरे जीएसटी बिल्स है, ये मेरे परचेस के बिल्स है, ये लीजिए मैंने जीएसटी नंबर भी लगा रखा है सर, तो प्लीज कृपा करके मेरे पीछे मत आइए, मुझे तंग ना करे। वो भी खुश हो गया, आशय तथास्तु, आपका जीएसटी नंबर सही सलामत है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको और कुछ डाउट्स रहे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये मेरा डाउट है, क्या आप मुझे सॉल्व कर सकते हो? तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर तो भी आपको अर्जेंट रहेगा कुछ, तो मेरा कमेंट बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, और ऐसी प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, और आपके जो बिजनेसमैन दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।